आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से संगम विहार कॉलोनी, जो कि आलमबाग अवध चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, हरदोई बाईपास पर आलमबाग अवध चौराहे से आप 1 किलोमीटर आते हैं तो बाएं साइड में DRM ऑफिस है, उसके पीछे पड़ती है ये कॉलोनी संगम विहार, जहाँ पर ये मकान है। और इस मकान का जो साइट कोड है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं आज शुरू में ही बता दे रहा हूँ, इसका SV30 साइट कोड होगा और ये 900 प्लस स्क्वायर फीट में मकान बने हुए हैं, 2 BHK बने हुए हैं। बाकी इस मकान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हम आगे वीडियो के साथ साथ बताते चलेंगे और दिखाते चलेंगे। तो दोस्तों, मकान के अंदर जाने से पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं मकान के अंदर। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये आपकी पार्किंग है, ये 17 फुट का पोर्च है, 17x10 का, जिसमें आपको 14 फिट 14x10 पार्किंग स्पेस मिल जाता है। और ये अंदर आ जाइए, ये स्टेयर केस के नीचे आपको इन्वर्टर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं। ये समर्सिबल का पिट है, ये देखिए नीचे समर्सिबल इसमें लगा हुआ है। यहीं पे आपको इसका पैनल दे दिया गया है ऑन करने के लिए। दोस्तों, ये आपका पोर्च था और ये ऊपर इसमें सुंदर फॉर सेलिंग दी गई है। अभी काफ़ी तगड़ी धूप है, नहीं तो आपको हम दिखाते। इसमें बहुत ही सुंदर लाइटें भी लगाई गई हैं। और अब ले चलते हैं आपको मकान के अंदर। 2 एंट्रियां हैं, एक सीधा ड्राइंग रूम से और दूसरा डाइनिंग हॉल से। तो आइए, तो ये आपका डाइनिंग स्पेस है और इसके सामने आपका ये किचन है और इधर ड्राइंग रूम और इधर बेडरूम है। अब आइए आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं, फिर आपको किचन दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका ड्राइंग रूम है जो कि 14x10 में बना हुआ है। एक विंडो मिलती है आपको बड़ी, जो कि सीधा जो है आपका मेन रोड की ओर खुलेगी, ये जिससे कि आपको हवा के लिए कोई समस्या ना हो। बाकी एसी के पॉइंट दे दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे स्विच सॉकेट सब लगा दिया गया है। एसी के पानी निकलने के लिए पाइप अंदर से डाल दी गई है और केबल वायर भी अंदर इसमें डले हुए हैं, वो सब आपको इसमें दिख जाएंगे। और ये डोर है जो कि सीधा पोर्च में खुलेगा। अब आइए आपका किचन दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये किचन एरिया है आपका, ये 8x8 में बना हुआ है और काफी स्पेसियस है। एल शेप दिया गया है, ड्यूअल टोन है, लाइट पिंक एंड व्हाइट कलर। दोस्तों, तो जो इसका कलर रखा गया है माइका का, वो फर्श से मिलाकर रखा गया है और पूरे घर में फर्श और दीवारों का कलर सब मैच कराया गया है। तो दोस्तों, ये आपका किचन है जैसा कि आपको दिख ही रहा है। यहां पर आपको RO का पॉइंट दिया गया है। अभी इसमें शीशा नहीं लगा है, वो आपको लगा दिया जाएगा। अभी आपको हम स्पेस दिखा देते हैं कितना है। ये काफी स्पेसियस है और एक विंडो आपको मिलती है जो कि सीधा आप गेट पे काम करते हुए भी देख सकते हैं। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, चाहे आप यहाँ पे ये होल जो दिख रहा है इसमें, चाहे आप एग्जॉस्ट लगाएं और चाहे जब आप चिमनी लगवाएंगे तो उसकी पाइप निकलने के लिए ये स्पेस बनाया गया है। अब आइए, और यहीं पर आपको ये मिल जा रहा है वॉश बेसिन,
जो कि डाइनिंग हॉल में आप खाना खाने के बाद में हाथ धुलने के लिए आपको दूर न जाना पड़े। ये आपका कॉमन वॉशरूम है जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है और लगभग 7 फीट की हाइट तक इसमें टाइल्स लगा दी गई है जिससे कि सीलन की कोई समस्या ना हो और कलर भी बहुत ही शानदार रखा गया है। और एसेसरीज आपको यहाँ पे रखने के लिए शैम्पू वैम्पू तेल वेल रखने के लिए ये यहाँ पे रैक लगा दी गई है। यहाँ पे सामान लगा देखिए टैग सारे ब्रांडेड लगाए गए हैं, दिखा दीजिए अंदर जाकर। अब आइए चलते हैं बेडरूम में, पहला बेडरूम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पहला बेडरूम जो कि 14x10 में बना हुआ है और आपको दिख रहा होगा पिंक और लाइट येलो कलर, बहुत ही लाइट क्रीम कलर कह सकते हैं, पिंक एंड क्रीम कलर का मिक्स है इन दीवारों में और उसी से मैचिंग आपकी फॉर सेलिंग भी बनी हुई है। दोस्तों देख लीजिए बहुत ही सुंदर बेडरूम को सजाया गया है और इसमें आपको एक डोर यहाँ पे मिलता है ओटीएस के लिए, ये ओटीएस है, चाहे तो यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, ये पॉइंट दिया गया है यहाँ पर टैप के लिए और कपड़ा धुलने के लिए ये बहुत अच्छा स्पेस रहेगा। और एक विंडो इसमें मिल जाती है जो बगल वाले बेडरूम की है, वो आपको हम भी दिखा देते हैं। आइए चलते हैं दूसरे बेडरूम में। दोस्तों ये आपका दूसरा बेडरूम है और बहुत ही खूबसूरत ये भी बना हुआ है, इसमें एक वॉल आपको येलो कलर की मिल रही है और दूसरी लाइट ब्लू कलर की और उसी से मैचिंग आपको जैसा कि दिख रहा होगा फॉर सेलिंग भी दी गई है। और क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है इसका भी साइज सेम ही है और 14x10, इसमें एक आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, ये आपका वॉशरूम है जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बना हुआ है, दिखा दीजिए। ये एसी का पॉइंट दिया गया है, यहां से आपका एसी लग जाएगा, वो जो पाइप दिख रही है उसमें एसी का पानी निकलने के लिए बनाया गया है। और अगर आप एसी ना लगाना चाहें तो आप चाहें तो उधर से कूलर भी यहां पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मकान से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी और अब हम आपको बता देते हैं कि कितना इस पर फाइनेंस होगा और कितना जो है इसका प्राइस है। दोस्तों पूरा मकान हमने आपको दिखाई दिया है, अब इससे बची हुई जो मुख्य जानकारी है जैसे कि प्राइस की और वो हम आपको अब बता देते हैं और कितना इस पे लोन होगा वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों इस मकान का साइड कोड SB30 है और ये 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ईस्ट फेसिंग ये मकान है, 2 BHK बना हुआ है। इसका जो प्राइज है वो 42 लाख रुपये रखा गया है और इस पे आपको 80% तक फाइनेंस हो जाएगा और मात्र आपको 20% इस पे डाउन पेमेंट देना है दोस्तों। और ये मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा 1.25 किलोमीटर तक लगभग ये मकान होगा और सामने आप देख ही रहे हैं कि रोड चौड़ी दी गई है। और ये तो इस मकान से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी, बाकी इस साइट पर हमारी ये संगम विहार में 600 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक के मकान अवेलेबल हैं, 28,50,000 से स्टार्टिंग है और जो है 55 लाख तक के मकान यहाँ पर इस समय मौजूदा हाल में अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो उसके अनुसार भी हम आपको मकान बनाकर दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, इसमें 2 यूनिट बची हुई है 900 वाले में, बाकी सब बिक चुके हैं। तो
चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें।